नमस्कार दोस्तों, हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए साइंस के पेपर का सलूशन कर रहे थे। तो दोस्तों, कल हमने किया था सितंबर 2016 का क्वेश्चन पेपर, आज हम करेंगे फरवरी 2016 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है, बल्कि क्या है, फूलों का एक गुच्छा है। तो दोस्तों, धतूरा रोज, चाइना रोज क्या है, ये सिंगल सिंगल फ्लावर है, सिंगल फ्लावर है। जबकि सनफ्लावर क्या है, ये फूलों का क्या है, फूलों का क्या है, गुच्छा है, गुच्छा है। इसमें जो है पुष्पों का समूह पाया जाता है, जो मैच्योर होके क्या होते हैं, बीज रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सनफ्लावर क्या है, फूलों का एक गुच्छा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक साइकिल है कोई, वो सीधी रोड पे कांस्टेंट स्पीड से जो है मूव कर रही है, तो साइकिल के पहिए क्या हैं, क्या दर्शा रहे हैं। चूंकि दोस्तों हमने बताया था कि साइकिल साइकिल के पहिए का क्या है, अपनी अपनी धुरी के सापेक्ष जो घूर्णन गति होती है उसे क्या कहते हैं, उसे सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति कहते हैं। और सीधी सड़क पे क्या है, सीधी सड़क पे कांस्टेंट स्पीड से चलना क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन या स्थानांतरीय गति कहते हैं। तो साइकिल के पहिए क्या दर्शाते हैं, सर्कुलर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सपोज करो कि एक किसान है, उस एरिया में रह रहा है जहां पे काली सॉयल है, और वहां की क्लाइमेट कैसी है, उस रीजन की क्लाइमेट उष्ण है। और वो अपने खेतों में क्या है, फाइबर प्रदान करने वाले पौधे को उगाना चाहता है। तो आप निम्नलिखित में से किसको प्राथमिकता देंगे। चूंकि दोस्तों वहां की मिट्टी कैसी है, वहां की मिट्टी काली है, तो काली मिट्टी किसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है, कॉटन या कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें से विषम कौन है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ओवम क्या है, एक गैमेट्स है, ये भी गैमेट्स दिया है। और एम्ब्रियो क्या है, ओवम जो होता है, और स्पर्म, इनके फ्यूजन से क्या है, इनके फ्यूजन से क्या है, इनके फ्यूजन से जाइगोट, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो इसमें ऑड क्या है दोस्तों, इसमें ऑड एग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्लाइबा का कार्य क्या है लार का। तो दोस्तों जो लार हमारे मुख में होता है, माउथ में, उसका काम क्या है, उसका काम स्टार्च या मंड को, किसका, स्टार्च या मंड, जो 30% माउथ में उसको सलाइवरी सलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में, एमाइलेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर देता है, सुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका काम क्या है, कन्वर्ट करना है स्टार्च को सुगर में। और दूसरा काम क्या है लार का, यह भोजन को लुगदी बनाता है, जिससे हमें इसे निगलने में आसानी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट या सही कथन कौन सा है। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि इनहेल या इंस्पायर्ड एयर में कितने परसेंट किस गैस की मात्रा होती है। तो इसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% क्या है ऑक्सीजन होता है, आर्गन 0.96% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है, और वाटर की वेपर 0.5% होती है। और जो एक्सपायर्ड एयर होता है, एक्सपायर्ड एयर होता है, इसमें नाइट्रोजन कितना होता है दोस्तों, 78%, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। आर्गन और अदर गैसेस इसमें कितनी, 1% पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि इनहेल और एक्सहेल एयर दोनों कंटेन करती हैं ऑक्सीजन, हाँ, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इनहेल एयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। दोस्तों ये रॉन्ग है, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में। हमारा अगला ऑप्शन है कि जो एक्सहेल एयर होती है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ये भी रॉन्ग है। एक्सहेल एयर में भी ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। हमारा
तो यह रॉन्ग है। एक्सेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋतु कहाँ खड़ी है? ऋतु ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है और ऋतु यहाँ पे खड़ी है, ऋतु यहाँ पे खड़ी है। चूंकि हम सभी लोग जानते हैं ऋतु एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो सेम डिस्टेंस पे बनती है, सेम डिस्टेंस पे और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के जितनी इमेज बनती है। चूंकि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो 10 मीटर है, 10 मीटर है। और ऋतु क्या कर रही है? अब ऋतु मूव कर रही है 2 मीटर इधर, तो इमेज भी क्या है, 2 मीटर इधर मूव करेगा, तो नई डिस्टेंस क्या होगी? नई डिस्टेंस जो होगी उनके बीच में, चूंकि इनिशियल डिस्टेंस 10 थी, नई डिस्टेंस 2+2, तो जो नई डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी होगी? 6 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या है? 6 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 टेस्ट ट्यूब हैं, ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। इसमें क्या है? एक्स में क्या है? NaCl है। वाई में क्या है? NaOH है। और जेड में क्या है? HCl है। इसमें वो क्या कर रहा है? जेड में क्या है? HCl, इसमें NaOH, इसमें ऐड क्या कर रहा है? फिनाप्थलीन सॉल्यूशन। इन तीनों में क्या ऐड करना है? फिनाप्थलीन सॉल्यूशन। चूंकि हम सभी जानते हैं फिनोप्थिलीन क्या करता है, अगर सोल्यूशन कैसा है, बेसिक है, तो ये कैसा पिंक कलर देता है, पिंक कलर। अगर एसिडिक है तो ये कलरलेस सोल्यूशन हो जाता है। चूंकि ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है, इसलिए ये क्या है, ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन है। इसमें फिनोप्थिलीन डालने पर इसका जो रंग होगा वो कलरलेस होगा और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसमें इसका कलर पिंक हो जाएगा फिनाप्थलीन डालने पर। फिनाप्थलीन HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें डालने पर इसका कलर भी कैसा रहेगा, कलरलेस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? X कलरलेस होगा, Y पिंक कलर हो जाएगा, Z कलरलेस रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे माउथ में जो अरेंजमेंट है दांतों का, वो आगे से पीछे की ओर, उसका क्रम क्या है? चूंकि दोस्तों डेंटल फार्मूला क्या होता है, बच्चों में कितना होता है? बच्चों में होता है 2102 2102, और यहीं अगर एडल्ट होता तो कितना होता है? 2123 2123। उस टाइम हमने बताया था ये इंसीजर होता है, ये केनाइन होता है, ये प्रीमोलर लास्ट वाला मोलर होता है। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि वृक्षों में और पादपों में वाटर ऊंचाई तक जाता है सक्शन पुल की वजह से, तो कौन सा फिनोमिना है जो सक्शन पुल को कास करवाता है? चूंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन का मतलब इवोपरेशन होता है, किसका? वाटर का। टाइनी ओपनिंग जो होती है लीव्स में, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ये इवोपरेशन क्या क्रिएट करता है? ये क्रिएट करता है सक्शन पुल। ये सक्शन पुल इतना स्ट्रांग होता है और एनफ होता है कि वाटर जो है ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, इवन टिप ऑफ टॉल ट्री तक पहुंच जाता है। तो वाटर जो है ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचता है? सक्शन पुल के द्वारा। और ये सक्शन पुल कौन क्रिएट करवाता है? ट्रांसपायरेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिंजर का क्या? तो दोस्तों जिंजर क्या है? जिंजर एक तना है, स्टेम है। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे करता है? ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे करता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये करता है बाय ब्रांचिंग द राइजोम। तो क्या है जिंजर? जिंजर एक स्टेम है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लिक्विड जो है विद्युत का चालक है। तो दोस्तों वे पदार्थ जो जल से अभिक्रिया नहीं करते, वो विद्युत के क्या है? कुचालक है। शुगर का सोल्यूशन जो होता है और डिस्टिल वाटर, ये विद्युत का कुचालक है, ये वाटर से अभिक्रिया नहीं करते हैं। और जो डिस्टिल वाटर होता है इसमें सॉल्ट नहीं पाया जाता है, इसकी वजह से भी ये विद्युत का कुचालक होता है। तो इसमें से विद्युत का चालक कौन है? विनेगर है और सॉल्ट सोल्यूशन है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए और सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है
कि प्लांट सरवाइव कर लेते हैं कुछ समय तक बिना फोटोसिंथेसिस के, तो ये सही ऑप्शन है, क्योंकि क्योंकि पौधे जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा कुछ भोजन संचित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण ना होने पर वो संचित भोजन का यूज करते हैं। बी है ऑप्शन कि प्लांट जो है सर्वाइव कर लेते हैं कुछ समय तक बिना रेस्पायरेशन के द्वारा, तो ये रॉन्ग है, रेस्पायरेशन जो है हमेशा होता है पौधों में। अगला ऑप्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन पौधों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, तो ये सही है। डी ऑप्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों साइमल्टेनियसली प्लांट में कब होती है, दिन के टाइम, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है, और पौधे फोटोसिंथेसिस कब करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, और ये प्रकाश जो है दिन में उपस्थित रहता है, और रेस्पायरेशन तो हर टाइम होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए सी और डी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है लकड़ी का, वो किस पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है विराम की अवस्था में, तो उस पे कौन सा बल कार्य कर रहा है, ये क्या है, ये लकड़ी का टुकड़ा है जो टेबल पर रखा हुआ है, चूंकि ये विराम की अवस्था में है, इसमें केवल क्या है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स केवल कार्य करता है, अगर ये टुकड़ा गतिशील होता तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी काम करता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कब काम करता है, जब कोई वस्तु गतिशील हो, चूंकि ये लकड़ी का टुकड़ा क्या है विरामावस्था में है, तो इस पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पैटर्न लीफ का बताओ किसमें और वेनेशन बताओ किसमें, बैम्बूज का प्लांट जो बांस का है उसमें, चूंकि ये बांस का जो पौधा है ये एक मोनोकॉट प्लांट है, तो दोस्तों जब हम पैलर वेनेशन बता रहे थे तो हमने बताया था जब वेन रन करती हैं, कैसे वेन रन करती हैं, पैरलर टू ईच अदर विद इन द लेमाइना, उसे पैलर वेनेशन कहते हैं, ये मोनोकॉट प्लांट में होता है। रेटिकुलेट वेनेशन किसे कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन उसे कहते हैं जब नेटवर्क बना ले, तो उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, ये डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। चूंकि दोस्तों हमने ये भी बताया था जिन पौधों की पत्तियों में पैरलर वेनेशन होता है उसमें कौन सी रूट, उसमें फाइब्रस रूट पाई जाती है, और जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसमें टैप रूट पाई जाती है। चूंकि बैम्बो का जो प्लांट है वो मोनोकॉट है, तो इसमें पैरलर वेनेशन और फाइब्रस रूट पाई जाएंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेट के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है कि मैग्नेटिक जो फील्ड की लाइन होती है वो नॉर्थ पोल से आरंभ होती है और दक्षिण के पोल पे विलीन होती है, तो ये करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अट्रैक्शन क्या है, चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण है, तो ये रॉन्ग है, उसका निश्चित परीक्षण नहीं है। अगला ऑप्शन है लाइक पोल जो मैग्नेट के होते हैं वो रिपल करते हैं, तो ये करेक्ट है, और अनलाइक पोल जो है मैग्नेट के वो अट्रैक्ट करते हैं। अगला ऑप्शन ये है कि जो है चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ होता है, चुंबक के छड़ के सिरों पर होता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्या है, जो आकर्षण है वो चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है मैच करो उनके यूजेस से मेटल और नॉन मेटल को। आयोडीन का यूज कहाँ करते हैं, कहीं घाव हुआ हो, मरकरी का यूज थर्मामीटर में करते हैं, एल्यूमिनियम की फॉइल को फूड पैक करने में यूज करते हैं, क्लोरीन का उपयोग हम वाटर प्योरिफिकेशन के लिए करते हैं, तो ए का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए का सेकंड ऑप्शन, तो इसमें केवल थर्ड में ही ए का सेकंड ऑप्शन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सत्य कथन को छांटिए, तो दोस्तों जो मिले माइन होता है और बैकेलाइट है, ये क्या है बैकेलाइट, ये क्या है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बैकेलाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग विद्युत तारों के कबर और स्विच बनाने में बैकेलाइट का, और मिलेमाइन क्या है, ये ताप को ज़्यादा झेल लेता है, इसलिए इसका उपयोग फ्लोर की टाइल्स बनाने में और किचन किचन
किचन के बर्तन बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो मिलेमाइन क्या है? मिलेमाइन थर्मोप्लास्टिक, ये बोल रहा है तो ये रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन क्या है? मिलेमाइन और बैकेलाइट दोनों क्या है? थर्मोप्लास्टिक, तो ये भी रॉन्ग है। तीसरा ऑप्शन क्या है? बैकेलाइट और मिलेमाइन दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो ये करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका ने कक्षा 8 की क्या है, अपनी कक्षा में क्या है एक्टिविटी का कुछ क्या किया है, एक्टिविटी का निर्दर्शन किया है। टीचर ने क्या लिया है? एक चम्मच में क्या लिया है? थोड़ा सा सल्फर लिया है और उसे जलाया है। फिर उसके बाद उस स्पून को क्या है, एक जो है ढक्कन वाले ग्लास के भीतर रख दिया है, जिससे जो गैस निकल रही है वो बाहर ना निकल पाए। कुछ समय के बाद उसने क्या किया है? उसने उस ग्लास में क्या किया है? पानी ऐड किया है। तो दोस्तों मान लो उसने सल्फर लिया, सल्फर को जलाया, तो कौन सी गैस बनेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर ऐड किया तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ये क्या है? एक एसिड है। अब ये बोल रहा है कि क्या होगा जब ब्लू और रेड लिटमस पेपर को उस ग्लास के पात्र में डाला जाएगा। चूंकि ये क्या है? ये एक एसिड है। ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। इसलिए क्या होगा दोस्तों? ब्लू लिटमस पेपर क्या है? वो लाल हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो एक्टिविटी दी हुई है, सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कौन सा पदार्थ बनता है? अभी हमने बताया, तब क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त क्रियाकलाप में किन कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो दोस्तों सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है किसी चीज का, फिर आप उसको क्लासिफाई करते हो, फिर उससे अनुमान लगाते हो। जैसे आपने सल्फर को लिया, उसको जलाया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी, फिर उसमें वाटर डाला जिससे एसिड बना, तो आपने इसको किस में क्लासीफाई किया? एसिड में क्लासीफाई किया। फिर इसमें क्या डाला? इसमें नीला नीला और लाल लिटमस पेपर डाला, फिर उससे आपने क्या अनुमान लगाया? अगर ये एसिड है तो क्या करेगा? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। तो इससे आपने ये अनुमान लगाया, तो ये एक्टिविटी क्या है? इन कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक साइंस के टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को 2 ड्रॉप किसका, ऑयल का और शुगर सोल्यूशन का, फ्लैट सरफेस पे रखने के लिए बोलती है। उसके बाद उस सरफेस को थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, तो उसमें से वो देखना चाहती है ऑब्जर्व करके कि कौन सी ड्रॉप बॉटम पे जल्दी पहुंचेगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, टीचर उसको क्या समझाने का प्रयास कर रहा है? लिक्विड बॉटम पे किस प्रॉपर्टी की वजह से पहुंच रहा है? तो दोस्तों हमने विस्कोसिटी या संयानता के बारे में पढ़ा था। जिस लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होगी? कम होगी। वो फ्लो करेगा कैसे? वो फ्लो करेगा इजिली। चूंकि ऑयल की विस्कोसिटी जो होती है वो किससे? शुगर सॉल्यूशन से। शुगर सॉल्यूशन से कम होती है, इसलिए ऑयल क्या है? ये जल्दी बॉटम पे पहुंचेगा, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कम है। तो ये जो बॉटम पे पहुंच रहा है ऑयल या शुगर का सॉल्यूशन, किसकी वजह से पहुंच रहा है? विस्कोसिटी या संयानता के गुण के कारण। तो दोस्तों इस तरीके से आज हम लोगों ने साइंस का क्वेश्चन पेपर सीटेट का जूनियर लेवल का सॉल्व किया है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन थ्योरी में कवर किए गए हैं, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछिए। धन्यवाद।